नीतिगम जो संस्था है उसके अध्यक्ष है, वो आपको आकर अपने विचार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां, जय हो जय बिंदु। धन्यवाद राजेश जी। जितने भी परम आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जितने भी हमारे पिता समान बड़े भाई समान लोग हैं, उन सबको मेरा प्रणाम सादर चरण स्पर्श। मेरे बड़े भाई डॉक्टर ओमेंद्र रत्न यहाँ हैं, महेंद्र जी भाई साहब हैं, मोहित हमारे, योगेश जी, बाकी सब लोग जो भी हमारे हैं यहाँ पे, राजेश जी जैसे हमारे भाई जो आप सब लोगों के साथ में ये संभाल रहे हैं। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपको कहना चाहूँगा, ज़्यादा शब्द नहीं है, मुझे बोलना भी थोड़ा सा कम आता है। हम बैठे हैं आज, आप वाल्मीकि जो समाज है, वाल्मीकि समाज मतलब आपका जो कर्जा है सनातन धर्म पे, आपका जो उपकार है सनातन धर्म पे, आपका जो एहसान है सनातन धर्म पे, वो सनातन धर्म अगले लाखों साल भी नहीं चुका सकता। ये जो अभी हमने गाया, अभी हमने साथ मिलके हनुमान चालीसा गाया, फिर हमने भगवान श्री राम की स्तुति भी करी, ये कैसे हुआ? महर्षि वाल्मीकि यदि त्रेता युग में भगवान राम के पूरे जीवन के घटनाक्रम को, अयोध्या में उनके जन्म से लेकर के रावण पे विजय से लेकर के और उनके पुनः वापस आके राज्याभिषेक तक के सारे वृत्तांत को अगर नहीं लिखते, अगर वो इसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करते, अगर वो रामायण की रचना नहीं करते, तो आज आप और हम यहाँ पे इकट्ठे होके हनुमान चालीसा कैसे गाते? तो महर्षि वाल्मीकि ने जो कर दिया, और भी एक काम बड़ा किया उन्होंने, जो सबसे बुरा समय था माता सीता का, मैया सीता का, उस समय उन्होंने धर्म की ध्वजा थामने वाले भगवान राम के दोनों बच्चे लव और कुश का अपने आश्रम में लालन पालन किया, पालन पोषण किया, और माँ सीता को अपनी बेटी के तरह वहां पे रखा। ये कर्ज, ये एहसान सनातनी कोई भी कभी भी वाल्मीकि समाज का कैसे चुका सकता है? संभव ही नहीं है। ये 7 बार जन्म में ले लूंगा, 700 बार ले लूंगा, तो भी महर्षि वाल्मीकि और आपके समाज का कर्जा कैसे चुकाएंगे, आप ये बताइए। कोई तरीका ही नहीं है कर्जा चुकाने का। रामायण के कई प्रसंग हमको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, जैसे केवट का प्रसंग है, जैसे माता शबरी के झूठे बेर खाने का प्रसंग है। उस सनातन परंपरा में पैदा होकर के अगर कोई आपको मेरा भाई नहीं बोलता और आपको मेरा दुश्मन बोलता है या मुझे आपका दुश्मन बोलता है, तो उस मक्कार का मुंह काला हम सब मिलके करें, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। उन मक्कारों के मुंह को काला करते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे जीवन में मैं भी एक पैसा कमाने की मशीन था 2010 तक, जैसे सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मैं भी अपना काम करता था, पैसे कमाता था, गाड़ियां, घोड़े, घर परिवार, इसी में लगता था दिमाग। 2 मेघवाल 3 मेघवाल मुझे मिलते हैं, पाकिस्तान से विस्थापित दलित, जिनको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, और वहां से मेरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि मेरे दादाजी भी 1947 में अपने धर्म को बचाने के लिए अपना वैभव, अपनी संपत्ति, अपनी संपदा सब कुछ छोड़ के अपने धर्म को जीवित रखने के लिए भारत आए थे। उनके पास 2 चॉइस थी, या तो उनको मुसलमान बनना पड़ता या फिर उनको अपना धर्म जीवित रखने के लिए अपनी हजारों साल पुरानी धर्मभूमि को, जन्मभूमि को छोड़ना पड़ता। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हजारों साल पुरानी जन्मभूमि को छोड़ा और यहाँ पर आया। कितनी बर्बरता वहां पे हमारे भाइयों के साथ, सहोदरों के साथ करी जा रही है, कैसे हमारी बच्चियां सरेआम उठती हैं, और उसमें भी दलित और आदिवासी समुदाय की, हिंदू समुदाय की जो बच्चियां हैं उनके लिए तो FIR तक दर्ज नहीं होती है। आज वो हमारे मेघवाल भाई थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आ गए थे, 5:30 बजे के लगभग, कोई मिला नहीं, वो वापस लौट गए। 15-20 लोग आए थे, आप सबसे मिलने के लिए आए थे। अगली बार कार्यक्रम होगा तो मैं उनको फिर बुलाऊंगा। जयपुर में 4,500 पाकिस्तानी हिंदू दलित हैं, जिनके लिए डॉक्टर ओमेंद्र रत्न, जय आहूजा, मोहित शर्मा, योगेश जी और हमारी सारी टीम, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, सब कुछ हम हैं उनके। उनको अगर एक सुई भी चुभेगी तो दर्द हमारे सीने में होगा। पूरी दुनिया में अगर हिंदू, भारत सहित कहीं पे भी है और उसके एक भी खून का छींटा उस पर नहीं लग रहा है, वो खून का छींटा हमारे दिल पे लगेगा, हमारी आत्मा पे लगेगा, हमको चोट पहुंचाएगा। इस भाव के साथ, इस भावना के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं।
जो पूरा लेफ्टिस्ट एजेंडा, वामपंथियों का एजेंडा आपको हमको अलग करने का पूरे देश में चल रहा है, उसके लिए मैं दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो आरक्षण आपका अधिकार है और हम 100% आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए आपके साथ हैं। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था में जो अभी वर्तमान समय में चल रही है, इस पूरी डिवीजन लाइन में कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये विषय वैसे महेंद्र जी भाई साहब का है। महेंद्र जी भाई साहब 20 वर्ष संघ के प्रचारक रहे हैं, बलाई समाज से हैं और आरक्षण बचाओ मंच के राजस्थान के संयोजक भी हैं, संघ के प्रचारक 20 वर्ष रहकर के। बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा गया और जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, दलितों में से या आदिवासियों में से, उनको दलित आदिवासी मुसलमान और क्रिश्चियन होने के बाद भी आरक्षण मिले ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने रच दिया था। 2013 में वो बिल आने वाला था, भारी विरोध के कारण और कोर्ट में लिटिगेशन होने के कारण वो बिल टल गया। आपके अधिकारों का हनन किस तरीके से षड्यंत्र बना के किया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक समुदाय विशेष के लोगों ने, जो मूर्ख लोग आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात है, एक समुदाय विशेष के लोग जो अपनी आबादी तो 16% मानते हैं भारत में, लेकिन उनके पास में गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड 37% है। यदि आरक्षण समाप्त होकर के आर्थिक आधार पे हो जाता है तो अभी तो आप मेरे भाई अगर कहीं सेक्रेटरीट में बैठे हो, कलेक्ट्रेट में बैठे हो तो आपसे राम राम तो कर सकता हूँ। अगर 37% आरक्षण उन्होंने ले लिया, 16-17% आबादी वो क्लेम करते हैं आर्थिक आधार पे, तो मुझे दफ्तर में घुसने से पहले सलाम वालेकुम बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए आपका आरक्षण आपके पास रहे, कोई आपसे लेके नहीं जाए, ये समस्त हिंदू समाज को समझना पड़ेगा और हम 100% इस पक्ष में आपके साथ आजीवन खड़े हैं। धन्यवाद।